श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हो ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है जग फंद खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सब पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गणेशाय नमः। कृष्णाय नमः।
तस्मै श्री गुरुवे सरस्वतीं व्यासं ततो युगल का बांगमयी स्वरूप है। यह अमृतसार जो आप सभी आज पान करने के लिए आए हैं, सर्वप्रथम दर्शन कराया गया है। यह अमृतसार सर्वप्रथम जगत पिता जगदीश्वर से श्री परम पिता ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। श्री ब्रह्मा जी से श्री नारद जी को प्राप्त हुआ। श्री नारद जी से श्री व्यास जी महाराज को प्राप्त हुआ और श्री व्यास जी महाराज से यह पंचामृत क्रमशः पंचम क्रम में श्री सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुआ। और ऐसा दर्शन है, इसी पंचामृत को श्री सुखदेव जी महाराज मृत्यु श्राव ग्रसित राजा परीक्षित को पान कराते हैं, जिससे कि श्री परीक्षित की 7 दिनों में ही मुक्ति हुई, भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। श्रीमद् भागवत में भूत भविष्य वर्तमान आदि आदि समस्त घटनाओं का उल्लेख किया गया है।
एवं साथ ही साथ श्रीमद् भागवत में श्री राधा कृष्ण की परम ऐश्वर्यमयी परम दिव्य लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। ऐसी अद्भुत श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति एवं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है, हम दिनारा वासियों का अद्भुत सौभाग्य है जो हम सभी को ऐसी परम दुर्लभ श्रीमद् भागवत, जिसके लिए कहा जाता है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदम भागवतम लवेत्, जब जन्म जन्मांतरों के युग युगांतरों के कल्प कल्पांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती है। ये श्रीमद् भागवत इतनी सरल नहीं है, इतनी सहज नहीं है, पर कुछ विद्वान कहना चाहते होंगे महाराज अभी अभी गद्दी पर बैठे हो और सबसे पहले ही फेंकना शुरू कर दिया है, सबसे पहले ही झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया है, क्यों? अरे महाराज आप कहते हो ये कथा बड़ी दुर्लभ है, ये कथा सुलभ नहीं है, सहज नहीं है, लेकिन आज के समय में तो ये कथा बड़ी सुलभ है, बड़ी सहज है। जहां देखो वहां बस भागवत जी का वाचन हो रहा है, 10 कदम दूरी पर जाकर के ही देखो तो पता लगता है कि भागवत सप्ताह यज्ञ चल रहा है। यत्र तत्र हर स्थान पर हर जगह पर बस भागवत ही भागवत सुनाई दे रही है। तीर्थों में जाकर के देखो तो आश्रम भरे पड़े हैं, बस भागवत कथा चल रही है और भक्त आनंद ले रहे हैं। तो महाराज कहाँ है ये दुर्लभ? यदि मान लो श्रोता वहां तक पहुंच भी ना पाए तब भी उनके लिए सहज है भागवत, क्यों? बल यदि कथा पंडाल तक ना पहुंच पाए तो कम से कम घर बैठे तो भागवत सुन सकते हैं, घर में ही भागवत सहजता से मिल जाती है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, बस टीवी को खोलो संतवाणी चैनल लगाओ और भागवत कथा सुनने को प्राप्त हो गई। हमारी कथा भी संतवाणी चैनल पर प्रसारित हो रही है। तो महाराज हर जगह कथा है और यहाँ एक जगह विश्राम हो रहा है तो दूसरी जगह पुनः प्रारंभ हो रही है। तो महाराज आप कैसे कह सकते हो कि ये कथा दुर्लभ है? ये बात तो झूठ है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, गद्दी से कही हुई कोई भी बात मिथ्या नहीं हो सकती है, झूठी नहीं हो सकती है। सत्यता तो ये है प्यारे कि ये श्रीमद् भागवत जो है वो सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी दुर्लभ थी, बहुत दुर्लभ। लेकिन हुआ क्या, बोले जैसे ही कलयुग आया, अंतिम युग आया, तो यहाँ प्रभु ने कृपा कर दी और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपनी भक्तों को सहजता से मिलने के लिए भगवान ने इस भागवत को सरल और सहज बना दिया। कैसे? बोले ठीक वैसे ही जैसे आप कहीं मेले में शुरुआत में जाते हो तो मेले में सामान बड़ा महंगा मिलता है, जब शुरुआती समय में मेला लगता है ना और हम मेले में खरीदारी करने के लिए जाएं तो सामान बड़ा महंगा मिलता है। जो वस्तु बाजार में 10 रुपए की होती है वो मेले में 15 रुपए में मिलती है। लेकिन प्यारे जब धीरे धीरे समय बीत जाता है और मेले के उठने का समय हो जाता है और उस समय यदि हम मेला में जाएं तो क्या होता है? बोले महाराज जो वस्तु मेले में शुरुआती समय में 50 रुपए में मिल रही थी वही वस्तु अंत में 20 रुपए में मिल जाती है, मिल जाती है ना? हाँ ठीक वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवत है ये सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ी दुर्लभ थी, लेकिन जैसे ही कलयुग आया
अंतिम युग आया तो यहाँ पर प्रभु ने कृपा कर दी और कलयुग में कथा सहज बना दी। कलयुग में कृष्ण ने इस कथा को सहज बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे कि इसकी उपयोगिता कम हो गई हो, इसकी महत्वता कम हो गई हो। जैसे कि 50 रुपए की वस्तु यदि 20 रुपए में मिल जाए तो क्या उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है? क्या उसकी महत्वता समाप्त हो जाती है? नहीं, वो तब भी उतना ही उपयोगी होता है, वो तब भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक वैसे ही प्यारे ये भागवत कलयुग में सरलता से तो मिली है लेकिन इसकी महत्वता कम नहीं हुई है। ये आज भी जगत में उसी प्रभाव के साथ में कल्याण करती है, भक्तों का उद्धार करती है। सबसे बड़ा सौभाग्य ये भी है कि स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान विराजमान है, यज्ञ चल रहा है, तो सौभाग्य ही सौभाग्य है महाराज। क्यों? बोले कहते हैं जब यज्ञ होता है तो बोले वृष्टि होती है जिससे कि प्रकृति हरी भरी हो जाती है। लेकिन प्यारे जब भागवत यज्ञ होता है, जब श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ होता है तो भगवत कृपा की वृष्टि होती है, भगवत कृपा बरसती है जिससे कि मनुष्यों का हृदय, जिससे कि भक्तों का हृदय हरा भरा हो जाता है। तो कहा गया है प्यारे श्रवण करने के भी तीन प्रधान अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? बोले सबसे पहला अंग है श्रद्धा, अर्थात आप सभी जब भागवत जी की कथा श्रवण करें तो श्रद्धा के साथ करें। क्यों? क्योंकि यदि आपके मन में कथा के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो कथा भी आपके जीवन में कल्याणकारी होने वाली नहीं है। और यदि आपके मन में वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो वक्ता का व्यक्तित्व भी हर जगह प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए कथा जब भी श्रवण करें तो श्रद्धा के साथ करें। क्यों? क्योंकि श्रद्धा के द्वारा किया हुआ प्रत्येक साधन सफल हो जाता है। श्रद्धा के साथ में की हुई प्रत्येक साधना सफल होती है। लेकिन श्रद्धा से रहित जो भी भक्त भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, जब तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, कथा श्रवण करते हैं तो उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। श्रद्धा से रहित व्रत, श्रद्धा से रहित तप मात्र और केवल शरीर सुखाने वाला होता है। केवल आपके शरीर को सुखाएगा, आपको कुछ फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा से रहित किया हुआ यज्ञ, श्रद्धा से रहित किया हुआ गया हवन होम मात्र और केवल राख में डाले हुए हविष्यान की तरह, राख में डाली हुई आहुति की तरह है। वो आहार देवता स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए श्रद्धा के साथ में करें। और श्रद्धा की एक बहुत बड़ी अपार शक्ति है। श्रद्धा वो शक्ति है जो रस्सी को सांप बना देती है, श्रद्धा वो शक्ति है जो झाड़ी में से भूत को प्रकट कर देती है, श्रद्धा वो शक्ति है जो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर देती है। इसलिए प्यारे कथा श्रवण करें तो श्रद्धा के साथ करें। अब आप कहते होंगे महाराज हमारे अंदर तो श्रद्धा है ही नहीं तो क्या हम कथा श्रवण नहीं करें? मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है तो क्या मैं कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं? तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आप घर बैठे रहे पंडाल में ना आए, नहीं। यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आप श्रद्धावान बनने के लिए कथा श्रवण करें। ये नहीं कि श्रद्धा नहीं है तो घर बैठे रहे, नहीं, श्रद्धावान बनने के लिए। और श्रद्धा के साथ में महाराज कहा गया है यदि थोड़ा सा भरोसा और हो जाए
थोड़ा सा विश्वास और हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। यदि श्रोताओं के मन में, यदि श्रद्धालु जनों के मन में भागवत के प्रति विश्वास और हो जाए तब तो फिर उद्धार ही उद्धार है। और विश्वास करना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे जो सदग्रंथ हैं वो साधारण नहीं है, हमारे सदग्रंथ सदगुरु की वाणी है, तो सदगुरु की वाणी का पालन करना चाहिए। सदग्रंथ की आज्ञा का पालन मतलब सदगुरु की वाणी का पालन, सदग्रंथ पर विश्वास मतलब सदगुरु पर विश्वास। इसलिए हमको चाहिए कि हम विश्वास रखें, हम भरोसा करें। और याद रखना प्यारे, जिसके जीवन में भरोसा होता है भगवान सबसे पहले उसी को परोसा होता है। जिसके जीवन में भरोसा है उसी को भगवान ने सबसे पहले परोसा है। इसलिए भरोसा होना चाहिए। भक्ति में भरोसा नहीं हो तो भक्ति किसी काम की नहीं है। इसलिए विश्वास अनिवार्य है। विश्वास कैसा? बोले ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से माता के दुग्ध पर भरोसा होता है। दूध तो बहुत होते हैं लेकिन सब पर प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। महाराज दूध शुद्ध तो है ना, गाय का है या भैंस का है, चीनी कम है या ज्यादा है, अनेकों प्रकार के प्रश्न उठते हैं। लेकिन माता का दूध जहाँ पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि माता का दूध शिशु के लिए सबसे शुद्ध है, सबसे श्रेष्ठ है। तो जिस प्रकार से माता के दूध पर शिशु को सबसे अधिक भरोसा होता है, ठीक उसी प्रकार से भगवत भक्तों को श्रीमद् भागवत पर भरोसा होना चाहिए। और जहाँ पर प्यारे श्रद्धा के साथ में विश्वास हो तो कहा गया है वहां पर तो स्वयं महापुरुष भी वंदना करते हैं। प्रमाण मानस में बाबा तुलसी ने स्वयं भगवान शंकर की वंदना की है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। जहां श्रोता के मन में श्रद्धा के साथ में विश्वास हो तो वहां पर तो स्वयं तुलसीदास भी वंदना करते हैं। स्वयं तुलसीदास जी ने भगवान शंकर की वंदना की, हे भोलेनाथ आपके चरणों में बारंबार वंदना है। क्यों? क्योंकि आप श्रद्धा विश्वास रूपिनो, क्योंकि आप श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। ये नजारा बहुत कम देखने को मिलता है प्यारे। कहीं श्रद्धा होती है तो विश्वास नहीं होता है, कहीं विश्वास होता है तो श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन धन्य है भगवान शंकर जहाँ श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। तो इसलिए भोलेनाथ की वंदना की जा रही है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। तो यदि कथा का अद्भुत श्रोता बनना है तो भोलेनाथ की तरह मन में श्रद्धा के साथ में विश्वास होना चाहिए। क्यों? बोले महाराज यदि दूध में थोड़ी सी चीनी डाल दो तो कितना स्वाद बढ़ जाता? बोले बड़ा स्वाद बढ़ जाता। तो ठीक वैसे ही कथा श्रवण में यदि श्रद्धा आ जाए, श्रद्धा की चीनी आ जाए तो बड़ा स्वाद बढ़ जाता। लेकिन यदि दूध में कोई केसर भी डाल ले तब तो महाराज कहना ही क्या है, फिर तो बड़ा मजा आ जाता है, बड़ा आनंद आ जाता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जब इस कथा श्रवण में श्रद्धा की चीनी के साथ में केसर रूपी विश्वास आ जाता है
तब तो कथा श्रवण करने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। इसलिए कथा का जो प्रथम प्रधान अंग है श्रद्धा विश्वास, उसको ग्रहण करें। अच्छा, कथा श्रवण करने का दूसरा अंग बताया गया क्या? जिज्ञासा। कथा को जिज्ञासा के साथ श्रवण करें। श्रोता को चाहिए कि जिज्ञासु बने, और जब तक मन में जिज्ञासा ना हो तब तक कथा समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। श्रोता को चाहिए कि जिज्ञासु बने। अब व्यास जी महाराज मुझे ये प्रसंग भी सुनाएं, अब व्यास जी महाराज मुझे ये कथा भी सुनाएं, अब व्यास जी महाराज मुझे भगवान की इस महिमा को भी सुनाएं। श्रोताओं के मन के ये भाव होना चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए कि महाराज अब पता नहीं कितने बजे तक कथा होगी, अब हमें तो बहुत काम है, पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी, है ना? नहीं, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। ये नहीं कि अरे अब बहुत कथा सुन ली, कहां तक कथा सुने, क्या कथा सुनना, नहीं। और जो इस प्रकार से कहते हैं तो स्वयं मानस में मानसकार बाबा तुलसी ने दर्शन कराया, बोले वो तो श्रोता है ही नहीं। राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।